हाय दोस्तों, रानी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ। गुलाब जामुन बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और बहुत इजी है, लेकिन आप ध्यान देकर बनाइएगा। जैसे मैं बनाई हूँ उसी मेथड से आप भी बनाइएगा। थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो टेस्ट में भी इधर उधर हो सकता है या टाइट हो सकता है, तो इसलिए ध्यान दे करके आप बनाइए। अभी हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अभी कोरोना है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि बाहर मत जाइए, तो दुकानें भी सब बंद है, तो आप ये फॉलो करिए। लेकिन आपको अगर खाने का मन करेगा तो आप क्या करेंगे, तो आप घर में बना लीजिए। खाना बनाने से घबराना नहीं चाहिए, खाना बनाना व्यंजन तो बनाना बहुत ही अच्छा काम है, ये भी थोड़ा सीखना चाहिए। चाहे हम औरत हैं या जेंट्स हैं, सबको बनाना चाहिए, बच्चों को भी बनाना सीखना चाहिए। तो आइए कैसे बनाते हैं और किन किन सामानों की आवश्यकता है मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। अभी देखिए ये एम्प्टी एयर मिक्स है, रेडी मिक्स है। ये दो पैकेट को मैं कट करूंगी और बनाऊंगी। देखिए कट करने के बाद में इस तरह का पाउडर है। ये दूसरा पैकेट भी डाल रही हूँ। गुलाब जामुन मिक्स है ना, इसको अच्छी तरह से इस तरह हाथों से देख लेंगे कि कहीं गोल गोल नहीं है ना, कभी कभी ये बंद भी जाता है। तो ये देखिए आटा बहुत अच्छा है। अब इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल करके और गूथूंगी। देखिए पहले मैं इतना पानी ले हूँ और फिर और इतना ही पानी ले हूँ। थोड़ा ही पानी डालिएगा ताकि ये गीला ना हो। गूंथते जाएंगे, देखते जाएंगे इसमें कितना पानी की आवश्यकता है। देखिए अभी और पानी डालना है इसमें। देखिए इसको अच्छी तरह गूंथना है। ज्यादा टाइट मत करिए, इसको अच्छे से सॉफ्ट ही रहना है। इसको 5 मिनट हम ढक करके रख देंगे। अभी मैं इसको 5 मिनट इस तरह ढक कर रख दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। इसके बाद में मैं अभी चाशनी बनाऊंगी। अभी देखिए 1 लीटर में पानी ली हूँ, इसको मैं गैस पे बिठा दूंगी। अब मैं इसमें 1.5 kg चीनी डालूंगी। अब मैं इसको धीरे धीरे चलाऊंगी और चाशनी तैयार करूंगी। अभी जब तक चाशनी रेडी होगा मैं दूसरे तरफ कढ़ाई रख दूंगी और ये जो गुलाब जामुन मिक्स है इसका लोइया बनाऊंगी। अभी देखिए मैं कढ़ाई को रख दी हूँ गर्म होने के लिए। ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें घी डालूंगी। अभी देखिए कढ़ाई गर्म हो गया, अब मैं इसमें 250 ग्राम तक घी डाल दूंगी। मैं घी में बना रही हूँ। आपके पास घी नहीं है, अगर रिफाइंड का तेल है या आपके पास डालडा है उसमें भी आप बना सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह गर्म करूंगी। अभी देखिए चाशनी उबल रहा है, ये 5 से 10 मिनट उबलेगा, उसके बाद में मैं इस तरह से देखूंगी। देखिए ये चाशनी रेडी हुआ है नहीं, अभी रेडी नहीं हुआ है। जब रेडी होगा तो ये तार की तरह इस तरह हो जाएगा, अभी ये रेडी नहीं हुआ है। थोड़ा देर इसको मैं और उबालूंगी।
अभी देखिए चाशनी अच्छा से उबल रहा है, इसको 5 से 10 मिनट तक उबालेंगे और इसको इस तरह से थोड़ा सा लेकर के, आप देखिए आपका हाथ ना जले, थोड़ा सा लेकर के धीरे से थोड़ा सा उंगली से ऐसा टच करके इस तरह देखेंगे चाशनी हो गया क्या, तो ये थोड़ा लसलसा करेगा। देखिए अभी इसमें लसलसापन नहीं आया है, तो इसका मतलब कि इसको 5 मिनट और उबालना है। ये 5 मिनट में रख दी थी ना, ढककर थोड़ा फूल गया है, तो इसको अच्छी तरह से इस तरह मसल देंगे और फिर मैं अभी इसका लोहिया बनाऊंगी। अभी देखिए ये थोड़ा बड़ा बड़ा ही बनाएंगे इस तरह से ले करके और गोल गोल लोहिया बनाएंगे। देखिए इतना बड़ा पीस ले करके अब इसको गोल गोल लोहिया बनाऊंगी। इसको आप कोई भी शेप में बना सकते हैं, गोल भी लंबा भी, इस तरह से सारे लोहिया को बना करके मैं रख लूंगी। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ही बना रही हूँ। देखिए इस तरह से गोल हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि ये फटे नहीं, एकदम चिकना होना चाहिए। अगर इसको लंबा बनाना चाहते हैं तो इस तरह से लंबा बना सकते हैं। देखिए इतना ले लिया है, अब इसको अच्छी तरह पहले गोल करेंगे और फिर धीरे धीरे इसको लंबा करेंगे। और इस तरह से करेंगे, आप दुकानों में लंबा गुलाब जामुन देखे हैं ना, वैसा है बन जाएगा, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अभी देखिए घी गर्म हो गया है, मैं इसको स्लो आंच पे कर दी हूँ और धीरे धीरे ये गोली डालूंगी एक एक करके। अभी देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो गया, मैं धीरे धीरे इसको उलाटूंगी। अब उलाटने के बाद में मैं इसको मीडियम आंच पे करूंगी। अब इसको चलाते रहूंगी। ये थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद में इसको लगातार चलाते रहना है ताकि वो बराबर पके। अगर आपको लगे कि मीडियम आंच पे जलने लगा तो आप स्लो कर सकते हैं, इसको देख के ही आराम से बनाना है। ये धीरे धीरे पकेगा तो वो अच्छा से, वो चाशनी में डालेंगे तो अच्छा से सॉफ्ट होगा। चाशनी रेडी हो गया है, इसमें मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। ये डाल करके मैं अच्छी तरह चला दूंगी और चलाने के बाद में ये जो गुलाब जामुन बनाए हूँ इसमें मैं डाल दूंगी और आराम से डालकर इसको चला देना है और इसको 10 मिनट तक इसी तरह रहने देना है। बीच में एक बार इसको इस तरह से उल्टा पलटी कर देंगे आकर। ये देखिए मैं छोटा छोटा पीस बनाई हूँ, ये थोड़ा ही है, 6 पीस है। इसमें मैं देखिए एक कलछुल चाशनी डालूंगी तो बस है, अब इसमें ये फूल जाएगा। अभी देखिए ये चाशनी में डाल करके 10 मिनट हो गया, ये गुलाब जामुन रेडी हो गया। जब फूल जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, देखिए इस तरह का। अब मैं इसको काट करके दिखाती हूँ। देखिए ये अंदर तक चाशनी चला गया है और ये फूल गया है। अब इसको आराम से आप खा सकते हैं। दोस्तों देखिए गुलाब जामुन रेडी हो गया, तो आप भी इसी तरह गुलाब जामुन बनाइए, खाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नीचे लाल घंटी आता है ना उसको दबाना नहीं भूलिए। वो जब आप दबाएंगे तो मैं जो ही वीडियो डालूंगी अपलोड करूंगी तो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो आप बना करके खा करके और टेस्ट करके मेरे को लिख कर भेजिए और कमेंट भी करिए और अपने दोस्त मित्र साथी और जितने भी रिश्तेदार हैं अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।